देखिए 15 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने आह्वान किया है एक विशाल धरने का, और उस धरने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पेट्रोलियम पदार्थों में जिस प्रकार से वृद्धि की गई, पेट्रोल डीजल महंगा किया गया, राज्य में विधानसभा में आनन फानन में जिस प्रकार से पंचायत राज एक्ट में संशोधन करके बहुत बड़ा एक कुठाराघात पंचायती राज के ऊपर इस सरकार ने किया है, बेरोजगारी का मुद्दा है, राज्य में 2.5 साल में किसी भी विभाग में भर्ती नहीं हुई, पुलिस से लेकर के और तमाम जितने विभाग हैं उन विभागों में भर्तियां बंद हैं, फार्मासिस्ट की 600 भर्तियां जो हैं उसकी भी जो विज्ञप्ति थी वो निरस्त कर दी गई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राज्य में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से सरकार कर रही है, जिस प्रकार से खनन से लेकर के और तमाम ट्रांसफ़र एक्ट, कहाँ है वो ट्रांसफ़र एक्ट, उसकी पारदर्शिता कहाँ रह गई है, राज्य में कानून व्यवस्था जिस प्रकार से ध्वस्त होती जा रही है, लगातार लूट चोरी डकैती हत्या बलात्कार दलितों पर अत्याचार, इसके तमाम मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बन करके बैठी है, ये सारे विषय हैं जिन विषयों पर कांग्रेस पार्टी 15 जुलाई को राजधानी देहरादून में एक विशाल धरना हम लोग प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर करने जा रहे हैं।